लॉकडाउन खुलने के बाद के एहतियात क्या करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लॉकडाउन खुलने के बाद के एहतियात क्या क्या ज़रूरी है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तुरंत वेकेशन प्लान नहीं करें। दुनिया भर में कोरोना फैलने का कारण ही लोगों का एक दूसरे के पास आना जाना है। लॉकडाउन के नियमों को ढील मिलने के बावजूद कुछ महीनों के लिए फैमिली वेकेशन प्लान नहीं करना चाहिए। बाहर जाकर अपनी सेहत को खतरे में डालने के बजाय बेहतर यही होगा कि आप घर में सुरक्षित रहें। सार्वजनिक स्थानों पर खांसे छींके नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मुंह ढके खांसना और छींकना हमेशा बुरा माना जाता है। खांसी और छींक से ड्रॉपलेट्स दूसरों तक पहुंचते हैं और उन्हें संक्रमित करते हैं, इसलिए पब्लिक प्लेस में हाइजीन को मेंटेन करें। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढक लें। अगर आपको कहीं भी बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं कोरोना के, जैसे कि आँख दर्द, सर्दी, बुखार, ये इस तरह की आपको कुछ तकलीफ़ें होती हैं, 2 से 3 दिन से ज़्यादा आपको ये तकलीफ़ हो रही है, तो आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर इसका इलाज करवाएं, डॉक्टर को बताएं। कोई भी टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो या कोई भी इसके अलावा टेस्ट हो, वो आप टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवाने के लिए डिस्काउंटेड रेट में कहीं लैब और हॉस्पिटल्स है, जैसे कि जनसेवा लैब में अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। आप कोई भी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं या अच्छी सलाह भी मिल जाएगी आपको वहाँ। तो यही थी आज की बात। तो आप सुरक्षित रहें, ध्यान रखें।